रिजल्ट है आज इसका, आज इसका रिजल्ट है। चला गई। और आपको बताया इसने? नहीं कब बताया। प्यार की मोहब्बतों में पड़ जाते हैं फिर इनके रिजल्ट गंदे आते हैं फिर सब प्लीज आते हैं। बहुत बारी है रावा के रिजल्ट देखने की, फाइनली बैठ चुकी है अपना 22 लाहौर खोल के, जिसके अंदर ये गाने इंस्टाग्राम बंद करो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और आज जो है ना बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैंने घर में किसी को नहीं बताया अभी, मतलब इनमें से किसी को नहीं पता कि आज मेरा रिजल्ट है, ठीक है। और आप लोग मेरे पिंपल को इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया रिजल्ट। और अभी मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ठीक है। और अभी 10 बजे तक मेरा रिजल्ट आ जाना, ठीक है। मैंने इनमें से किसी को नहीं अभी बताया, इनको नहीं पता कि मेरा रिजल्ट है। मैंने कहा चुप के कैमरा ऑन करके आप लोग को बता दी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहे थे कि हमें बताना रिजल्ट क्या है, लेकिन अगर गंदा है फिर किसी को नहीं बताऊंगी, तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ। मैं लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं जा रही हूँ तो अब देखते हैं कि गाड़ी में जाकर अगर पापा ने मुझसे पूछ लिया तो मेरी तो बस अल्लाह करे ना पता चले। जो है ना पापा ने गाड़ी निकाल ली है, वो कह रहे हैं कि चलो निकलो, तुम लेट हो गई हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं निकलने लग गई, मुझे समझ पता पूरे 10 बजे मेरा रिजल्ट आ जाना है। और वो देखे पापा उधर गाड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। और मैं ना इस तरह से अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेपर्स वैसे अच्छे दिए थे, लेकिन पता नहीं यार अल्लाह करे। ओके, तो पापा को मैंने बताया कि हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पापा को भी साथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो पापा जी, मैं आपसे एक बात पूछ रही थी कि आज कोई खास दिन है, मतलब कुछ आप भूल रहे हो या कोई खास दिन हो आज, कुछ भी, कुछ इम्पोर्टेंट? पक्का कुछ नहीं याद? मेरी लाइफ में तो सब कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन आज आपके माइंड में चल रहा है मुझे नहीं याद, मतलब कुछ नहीं आज, बस सही आज कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसे ही चलते रहना, अल्लाह ना करे बस आपको कुछ याद हो। बस आपने ऐसे ही पूरा दिन एंजॉय करना है, ठीक है। हाँ बस सही है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने आप लोगों को रिजल्ट का बताना था, तो ये हुआ कुछ ही है कि मैं घर वापस भी आ गई, मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया कि आज रिजल्ट है, और ये सब इनको भी मुझे लगता है नहीं पता। मैं नहीं बता रही पूछे क्यों, क्योंकि मेरी आज एक दोस्त की 3 सप्ली आई है और मैं इतनी शॉक में इतनी डरी हुई हूँ कि अल्लाह अगर मेरी ऐसा हो गया तो मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे वो लोग। मैं दुआ मांग रही हूँ अल्लाह से कि मेरा रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि घर में इनको किसी को नहीं पता कि मेरा रिजल्ट है। और मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि बाद में जब आए, क्योंकि मैं पहले खुद देखना चाहती हूँ, तो अब मैं आप लोगों के सामने छुपके छुपके से होए होए अगर मेरा रिजल्ट गंदा आया मैं क्या करूँगी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आज एक डेट इस तरह की है कि मुझे बहुत से लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं राबिया का रिजल्ट क्या है, राबिया का रिजल्ट क्या है, राबिया का रिजल्ट क्या है। उससे मुझे पता चला कि राबिया का रिजल्ट है, तो आज उसका रिजल्ट है। अब यूनिवर्सिटी से आई हुई है, आके खाना खा रही है। इस बंदी ने मजाल है कि घर में किसी के आगे भी नाम लिया हो कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, मेरे साथ क्या बना है, इसको कुछ होश नहीं है, ठीक है। अब से घर वालों से पूछते हैं कि क्या सबको पता है कि राबिया का रिजल्ट क्या आया, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, पोल खोलेंगे, मैं खोलूंगी राबिया की पोल आप लोगों के सामने भी और अपने अम्मा अब्बा के भी सामने भी। अपनी खांसी के साथ मैं जाऊंगी अपने डैडी के पास जो कि इस वक्त खाना खा रहे हैं, मैं वापस पूछूंगी आपको पता है आज क्या है। राबिया मुझे रास्ते में पूछ रही थी कि आज कुछ अलग सा है, मैं क्या अलग सा तो मैं होता ही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है क्या अलग सा, लेकिन बार क्या अलग सा बताऊँ। रिजल्ट है आज इसका, आज इसका रिजल्ट है। बड़ी चला गई मुझे रास्ते पूछ रही कि आज क्या पता तो मैं कहने हंसी थी। और आपको बताया इसने? नहीं कब बताया। मुझे लगता है इसने खुद भी रिजल्ट नहीं देखा। नहीं देखा होगा, तो चेक करो क्या कामयाब हो गई। कामयाब हुई है कि नाकाम हो गई है, ये अब राबिया के पास मैं मम्मा से जाकर पूछती हूँ कि क्या उसने मम्मा को बताया या उसने खुद देखा भी है या नहीं देखा। मम्मा एज यूजुअल मम्मा ने बनाई है यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ और अंडे में फेंट के वो बना रही है। मम्मी आपको पता आज क्या है? आज राबिया का रिजल्ट है। तुमने तो नाम ही नहीं लिया है? नाम नहीं ना लिया? नहीं। मेरे सामने भी नहीं लिया। मैं जाऊंगी अब इसको पकड़ने चलाक। क्यों बता, क्यों मेरी फेल हो गई है? पता नहीं क्या हुआ है। फेल नहीं हो सकती, इतना मुझे अपने बच्चों को पता है, चेक कम नंबर लें पास। हाँ मैं जाती हूँ इसकी टांगे दोनों तोड़ती हूँ, इसने सुबह से घर में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। गाइस मैं आ चुकी हूँ इस वक्त राबिया के कमरे में ये देखने के लिए कि ये राबिया मैडम ओरिजिनल में हमें बता क्यों नहीं रही है कि इसका रिजल्ट आखिर आया क्या है। तुम अपना रोल नंबर बताओ, मैं खुद देख लेती हूँ। तुमने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा? मैं आज तक नहीं मेरा रिजल्ट
रिजल्ट। झूठ ना बोलो, मेरा रिजल्ट आज नहीं है। फिर कब है? मुझे हफ्ते बाद है। अब मेरे से टोपी आपको किसने बताया? मुझे ना लोगों ने कमेंट में बताया था, कमेंट में कि यार आबिया का रिजल्ट है। यार ये लोग मुझे मरवाएंगे कसम से। क्या यार, मेरी बेइज्जती होने जा रही है। तो खोलो ना, निकालो। दुआ करे रबिया पास हो जाए। तुम क्यों इतना डर रही हो, क्यों नहीं खोल रही हो तुम? क्या तुम्हें डर है तुम फेल हो जाओगी? बाहर निकाल दिया, मैं क्या करूँ? अब तुम अपना बता रही हो मुझे रोल नंबर स्लिप के नहीं? क्या पहले मेरा रिजल्ट था तो सारे पिंपल निकलवाते थे, मुझे थोड़ा सा पैम्पर करो यार। आप लोगों को बस हम पैम्पर करते हैं, तो मेरी तबीयत खराब है। मैं तुम लोगों को रोल नंबर नहीं बता रही, मैं तुम लोगों को रोल नंबर यार इसी तरह अपनी रोल नंबर स्लिप इस मानो आपको पता है किसने रोल नंबर स्लिप रखी थी? मैंने बाहर के बैंक दी थी, मैं नहीं बता रही, मुझे डर लग रहा है यार। मुझे पहले कहीं घुमाने लेके चलो फिर बताऊंगी। यार इसको मैं घुमाने लेके जाऊं मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट कुछ करते हैं, मुझे दिल चाह रहा है कॉफी शॉफी पीने का, तो कुछ खाते पीते हैं। और फिर चलो जिस मोहतरमा को जो है ना वो ले आए हैं। मुझे टेंशन है यार बहुत ज्यादा ना, और ये एंग्जायटी साथ उठाई हुई है। ये सब लोग चलेंगे मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं ये देख रहे हैं आप इसको, ये सब लोग चले गए हैं और मैं अकेली गाड़ी में, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। और मैं इसी शर्त पे निकली हूँ कि मैं गाड़ी के अंदर ही रहूँगी। अभी लोग पता नहीं क्या लेके आते हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सिर्फ इस लड़की के चक्करों में मैं निकली हुई हूँ। तो ये लोगों ने शॉपिंग कर लिया, खा पी लिया, अब घर जाके देखना इसको। मैं मम्मा के सामने उठा के पूछूंगी कि बाजी बता तेरा रिजल्ट क्या है। पता किसी ने मेरा रोल नंबर निकाल लिया और उसने मेरा रिजल्ट मुझे स्टोरी में मेंशन किया हुआ है और लिखा 11 महीने की मेहनत। डिफरेंट रोल नंबर डाल के चेक किया कि राबिया का कोई एक तो होगा। ये बहुत चलाकल हो गया। उन लोगों को मेरा सलाम। क्या लेके आई और फरार हो रही है दोनों। अब आप आ रही है राबिया का रिजल्ट देखने की, फाइनली बैठ चुकी है अपना बाइस लाहौर खोल के, जिसके अंदर ये गाने इंस्टाग्राम बंद करो अभी तक। इंस्टाग्राम अपना वो बाइस लाहौर खोल के बैठ चुकी है, उसमें ये डायल कर रही है। अभी ना देखो यार, आप एक मिनट पकड़ लो यार। ये क्या है, ये तो बिग बॉस की सलमान खान ही बन गई है। कब से इंतजार कराई जा रही है who is the winner? इसको पता है कि मामा को ऐसे के बगैर से बारी की लफ्ज़ नहीं निकले। मुझे कहते हैं आप देख लें और इतना तो देखने नहीं दे रही। कमर लाइक से बोला फोन पकड़ दो फिर होगी। दिखाओ तो सही, तो ऐसे रही है दिखा। नहीं अच्छा तब मार्क सुन रहा हूँ, तुम हंस रही हो, मेरे नेल्स टूट जाएंगे यार। मैंने कितनी पढ़ाई है इतने में मैसेज हो जाएंगे। उड़ चुकी है झूठ 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 इतनी भी मैम लाइक। और जो उर्दू है उसमें तुम्हारे के पास हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा इसको शेर की तशरीह मार्क्स मेरे पास स्टडीज में। देखो सबसे थोड़ा नंबर भी इसके उर्दू में आए होना देख ले। तो ये बताओ ना क्यों कह रही हूँ सब प्लीज। कितने मार्क्स था? 783। मैं तेरे दिखा दूँगी ये लो। क्यों दिखाऊँ? So guys finally चले आप सही वाले 700 है बस। 83 का कोई बात नहीं, अच्छे आ गए पास हूँ कम से कम, यूनिवर्सिटी निकालेंगे तो नहीं ना। अच्छा मैं बताऊँ, मेरी दोस्त के इतने अच्छा है कि मेरे दिल में उसको देख के मेरी छुट्टियाँ चल रही। ये भी एक है, दोस्त के अच्छा है तो दुख होता है, अपने अच्छा है तो दोस्त आपके साथ फेल हो तो आपको खुशी होती है। दोस्त आप फेल हो और दोस्त बड़ा दुख हुआ मुझे उसका सुन के। कसम तो राबिया के साथ वो देख रही होगी, मेरे साथ ही थी वो, मेरे साथ ही पढ़ती थी, उससे कैसे ज्यादा आ गई क्या? वो देखती है मेरे ब्लॉग, कोई बात नहीं उसको पता है मेरे दिल का। राबिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम पास हो गई। गाइस चाहते हैं कि तुमने उनको ट्रीट देगी। ट्रीट कौन दी गई, इतने भी अच्छे नंबर नहीं आए, ट्रीट वाले मार्क्स नहीं आए। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इसकी यूनिवर्सिटी वगैरह देखिए, नहीं दिखा रही है। मैं आप लोग एक ब्लॉग में दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। पेपर का गंदा रिजल्ट आया तो बच्चा ही गाना गाए, पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूल, प्यार की मोहब्बत में पड़ जाते हैं, फिर इनके रिजल्ट गंदे आते हैं, फिर सब प्लीज आते हैं इनके इनके सारा मुझे पता है। मेरी सब प्लीज इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ी ऐसे। नहीं इंसान पढ़ाई किसी पढ़ किसी रात के पढ़ा के पैसा कमाऊं, अपने खानदान को पालूं पूछूं।
पालू पोसूं, तो इसलिए और भी मकसद होता है शादी लड़की में दे दे कोई अपनी रिश्ता अच्छा आ जाए लड़की। हाँ तो मुझे रिश्तों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत रिश्ते हैं, एक भी नहीं कसम से। गाइस मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो चिल्तन प्योर की ये कैंडल्स हैं जो कि खुशबू करती हैं, अरोमा थेरेपी के साथ हैं। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती हैं बल्कि आपकी रूम का एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन कर देती हैं। आपकी बॉडी के ऊपर एक बहुत इसका इम्पैक्ट होता है, सिर्फ खुशबू नहीं होती बल्कि एक इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती है। ये जो है वो रिलैक्स एंड स्लीप मेरे पास है और ये फोकस ऑन एनर्जी है। आपने इसको जो है वो कहते हैं अरोमा थेरेपिस्ट कहते हैं कि दिन में 3 से 4 बार जो है वो आप इसको जलाया करें ताकि जो है ना वो प्रॉपर इम्पैक्ट आपके बॉडी पे इसका पड़े, ठीक है। तो सोने से 2 घंटे पहले आपने इसको जला लेना है और सोने से पहले आपने इसको बंद करके सोना है। अब इसकी पैकिंग के हवाले से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी ये ग्लास पैकिंग है तो ये टूट जाएगी, तो मैं आपको बताऊं कि ये डबल, एक तो इस तरह से ये पैकिंग में आती है और ऊपर से इसका जो ग्लास है ग्लास क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो डिलीवर की जाती है। सो गाइस ये सिर्फ खुशबू ही नहीं है बल्कि एक ट्रीटमेंट भी है और बहुत से स्पास में भी ये इस्तेमाल होता है जो कि आपकी माइंड और सोल को रिलैक्स रखता है। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करने हैं तो आप लोग भी चिल्तन प्योर की वेबसाइट मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाएं एंड ऑर्डर योर्स। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्पेशली इस मौसम में क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, मतलब मेरी बाजू बहुत थक रही है, मैं फोन भी नहीं उठा पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो रहा हूँ, ठीक है जी। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बाय बाय।